बेटा हम कर देंगे ये सब, आप लोग जाके खेलिए। नहीं अंकल, ये हमारा भी प्लेग्राउंड है, इसकी केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट किको, और हमें इसमें उतना ही मजा आ रहा है जितना खेलने में आता है। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इस काम में। काम नहीं डोडो, वन वर्ड में वॉलंटियरिंग। वैसे काम से याद आया, आम खा लेता हूँ। टोनी बॉस, यहाँ भैंस की तरह क्यों लेटे हुए हो? वहाँ सब बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। टोनी काम करने में नहीं, काम करवाने में बिलीव करता है। कोर्ट बनने दो, फिर वहाँ जाके सबको भगा के टोनी अकेला खेलेगा। मानना पड़ेगा टोनी बॉस, आप दुनिया के नंबर वन निकम्मे इंसान हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे निकम्मा बोला? नहीं टोनी बॉस, इसने आपको नंबर वन बोला। नंबर वन, हाँ, वो तो मैं हूँ। वहाँ सब काम कर रहे हैं और तुम यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हें वन वर्ड में जो फील करना चाहिए वो है अशेम। लोहे के काले खंबे हैं, टोनी बॉस निकम्मे हैं। पहली बार में बास्केट कर दिया टोनी ने। तो टोनी का मुक्का यानी हुड़ हुड़ हुक्का। प्लेग्राउंड बंद करने का टाइम हो गया है। ओरी मोरी मदर, ये क्या है? समझ नहीं आ रहा, किसी ने आकर बास्केटबॉल के पोल्स तोड़ दिए और फिर भाग गया, पर क्यों? आखिर भगवान क्यों करेगा? ऐसी तोड़फोड़ कौन कर सकता है? अभी तक पता चल नहीं पाया है कि ये मिस्टीरियस क्रीचर कौन था। हमारी टीम ने वहाँ मौजूद लोगों से बात की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दूर से ही चमक रही थी। वन वर्ड में डीमिंग। वो बहुत बहुत बड़ा था। बड़े से याद आया, दही बड़ा खा लेता हूँ। वो दीवार तोड़ के सबको मारने आ रहा था, जब मैं उसके सामने आ गया तो मुझे देखते ही डर के भाग गया। सन सिटी के मेयर जासूस झटपट और कीको के साथ जल्दी घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने वाले हैं। आसमान हरा, मैदान लाल, बम बम बवाल। सुई से झगड़ निकला धागा, जुगनू पाल से जुग्गी निकल के भागा। है? सर पहले में कह रहे हैं कि सन सिटी में कोई डायनासोर घुसाया है, ये उसी के पांव के निशान हैं। पर झटपट अंकल, उसके बड़े बड़े सींग थे। जासू झटपट के रहते डायनासोर डांस नहीं कर सकता, गॉडज़िला गाना नहीं गा सकता। अभी जाके डायनासोर की सारी फिल्में देख के झटपट तोड़ निकालता हूँ फटाफट। आओ जूनियर।
बेटा कीको, ये क्या नई नई मुसीबतें रोज लॉन्च होती रहती हैं सन सिटी पे, अब हम क्या करेंगे? ईश, हम सावधान रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते मेयर अंकल। अभी हमें ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कौन है और क्या चाहता है। वाह, मेरे सर की ताकत कमाल है। नहीं होगा कोई खेल, जो बीच में आएगा वो हो जाएगा फेल। हट जाओ रास्ते से, आ रहा है बुलबुल चुलबुल। मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब तक प्लेग्राउंड ठीक नहीं हो जाता तुम लोग यहाँ खेल सकते हो। नहीं मियाँ अंकल, हम लोग फिर जाकर प्लेग्राउंड ठीक करने में हेल्प करेंगे। बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। राइट डोडो, सन सिटी के बच्चे टू वर्ड्स में करेंगे बाउंस बैक। सिटी में नहीं होगा कोई खेल, जो बीच में आएगा वो हो जाएगा फेल। हट जाओ रास्ते से, आ रहा है बुलबुल चुलबुल। बेटा, ये बुल तो सींग मार मार के स्टेडियम का सींगदाना बना देगा, इसको कैसे रोकें? ये बुल तो बहुत पावरफुल लग रहा है, उसे रोकने के लिए मुझे और सुपर स्पीडो को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। स्विमिंग पूल भी बर्बाद कर दिया। चलो कम से कम मुंह तो धुल गया, सुबह जल्दी जल्दी में मुंह धोना भूल गया था। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। आया बड़ी सुपर स्पीडो, करने आया परेशानी दूर, क्या तुम ठीक हो? बताओ मस्ती करनी है या दुश्मनों से कुश्ती? लॉन्ग ड्राइव पे चलना है या करनी किसकी छुट्टी? कहीं रॉन्ग से है खट्टी, राइट से है बट्टी, हाउ कैन आई हेल्प यू? बताओ जल्दी जल्दी, यू बताओ जल्दी जल्दी, यू बताओ जल्दी जल्दी। सुपर स्पीडो, बुलमान सिंह मार मार के स्टेडियम को तोड़ रहा है, हमें उसे रोकना होगा। ओके कीको, सन सिटी के बच्चों का प्लेग्राउंड तोड़ने वाले को सुपर स्पीडो नहीं छोड़ेगा। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला 267। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 267।
फंस गया बुलमैन, चल बुल। इनिशिएटिंग फॉर्मूला नंबर 432। मुझे तोड़ फोड़ रहा है, कैसे रोके इसे? अब तो एक ही रास्ता है सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 817। ओके कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 817। मिसाइल से डराता है, ये देख पुलमैन का ठुमका। सन सिटी में नहीं होगा कोई खेल, जो बीच में आएगा वो हो जाएगा फेल। कीको, बड़ी, ऐसे तो हमारे सारे फॉर्मूला खत्म हो जाएंगे। इसकी मोटी मेटल की खाल पे तो मिसाइल का भी कोई असर नहीं हो रहा है। इससे निपटने के लिए हमें नया फॉर्मूला बनाना होगा सुपर स्पीडो। वो कौन सा फॉर्मूला होगा कीको? हॉर्न्स की लड़ाई हॉर्न्स से, जैसे दो बुल आपस में लड़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 417। ऑलराइट कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 417। कैसे बच गया? अभी तोड़ता हूं। ओह नो, कहीं वो बुलमान अपने सींग से उन बच्चों पर हमला ना कर दे। सुपर स्पीडो सन सिटी के किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने देगा कीको। थैंक यू किको और सुपर स्पीडो, तुमने इन बच्चों को बचा लिया, नहीं तो ये पगला सांड पता नहीं क्या कर देता। ईश। नहीं मेयर अंकल, बुलमान अंकल ने जानबूझ के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो गोल पोस्ट की तरफ जा रहे थे पर बच्चों को सामने देखकर वो रुक गए। चूहे के बिल में सांप ने डुप्लेक्स बनाया ये तो समझ आया, पर कौवे के घोंसले में मोर कैसे नाचा ये समझ नहीं आया। झटपट सर रिडल में कह रहे हैं कि जिस बुलमैन पे मिसाइल का अटैक नहीं हुआ उसे ही टेनिस नेट से कैसे पकड़ेंगे? झटपट बेटा, ये कोई मामूली नेट नहीं है, बताओ इसे किको। झटपट अंकल, ये नेट दुनिया के सबसे मजबूत मेटल से बना है और इसके पिलर्स भी उसी मेटल से बने हैं, इन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, तुम्हें पूरा विश्वास है कि उस बुलमैन के सींग इसमें फंस जाएंगे? जी अंकल, हमने पूरी रिसर्च की है। सुपर स्पीडो, सुपर
सुपर स्पीडो की मेमोरी में बुलमैन अंकल के सींग का एग्जैक्ट साइज है। जब वो नेट को तोड़ने के लिए सींग मारेगा तो पहले नेट के वायर एक्सपैंड होंगे ताकि सींग पूरी तरह से अंदर चले जाए। सुपर स्पीडो अपने हॉर्न से उसे बिजी रखेगा और मैं बुल के अंदर जाकर उस बुलमैन को पकड़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा प्लान है, पर अगर वो नहीं आया तो? वो जरूर आएगा। मैंने मेयर अंकल से अनाउंस करवा दिया है कि वो नए टेनिस कोर्ट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। टेनिस कोर्ट, बोला था ना सन सिटी में नहीं होगा कोई खेल, जो बीच में आएगा वो हो जाएगा फेल। सुपर स्पीडो, हमें बुलमैन को रोकना नहीं बल्कि नेट की तरफ आने देना है, ओके बड़ी? समझ गया कीको। बुलमैन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आ गया करने काम ये रॉन्ग, बच्चों के दुश्मन बुलमैन लेने न देंगे तुमको चैन, कीको ये तो गलत बात है, फिक्र ना करो हम साथ साथ है, सिप सप सिप सप सिप सप सिंग, ब्रेक करेंगे इसके सिंग, तोड़ रहा है ये प्ले ग्राउंड, लेट्स गो कीको टेक हिम डाउन। बस बस सुपर स्पीडो, हमें लड़ाई जीतनी नहीं बल्कि हारनी है, याद है ना? ओह सॉरी कीको, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। ट्रेनिंग के बाद मेरा सर भी बुल जैसा ही स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू किको और सुपर स्पीडो। क्या बात है, वन वर्ड में ऑसम। ऑसम से याद आया, बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खा लेता हूँ।